देखिए, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल एलजी वी वर बीइंग डायरेक्टेड टू ओपन द ट्रैक रूट्स. ओवरऑल देयर वर 75 ट्रैक रूट्स वर ओपन इन द जम्मू एंड कश्मीर यूटी. तो इसमें से हमारी डिवीजन में इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 3 ट्रैक रूट्स थे, जिसमें से एक पहले हम लोगों ने पैंथल में किया है, 2 ट्रैक रूट्स ये आज किए हैं सूला का, और एक ये सियार बाबा का दुलोदरा तक का. ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स के करीबन का ट्रैक रूट है. देख रेख की आपके द्वारा इसकी लगातार की जाएगी, और सूला वाला ट्रैक रूट जो है वो कितने किलोमीटर का है और ये कितनी? ये सूला का 2 किलोमीटर्स है और ये 5 किलोमीटर्स के करीबन का है. ये बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूट्स हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हमने उनको रेनोवेट किया है, उनको डेवलप किया है फर्दर, सो दैट जो लोग हैं यहाँ के, जो इवन टूरिस्ट भी आते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड फॉर द ट्रैकिंग. क्या उम्मीदें हैं आपको कि आएंगे यहाँ पर? डेफिनेटली आएंगे. सियार बाबा इट्सेल्फ इट्स अ पिलग्रिमेज, तो यहाँ लोग आते ही हैं. एंड फर्दर ये स्पॉट काफ़ी अच्छा है, ये वाटर बॉडी भी है यहाँ पे, सो वाटर ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्सेल्फ. आपके जो लोग हैं कर्मचारी हैं यहाँ पे तैनात भी रहेंगे या फिर बीच बीच में आके यहाँ पे देखेंगे? बीच बीच में आके यहाँ पे ऑलरेडी गार्ड है इस एरिया का, ही वुड बी लुकिंग आफ्टर दिस एरिया. आज जैसा कि हम यहाँ पे सूला के इस तरफ से भीमगढ़ फोर्ट तक का ये जो ट्रैक है, ये ट्रैकिंग रूट जो है ये कोई 1.5 किलोमीटर का यहाँ से लेकर के ऊपर किला, जो भीमगढ़ किला है हमारा, वहाँ तक का है. बीच बीच में ये इस ट्रैक रूट को इंटरसेप्ट, जो हमारा रूट है कटरा रियासी वाला, रियासी कटरा वाला, वो भी इसको इंटरसेप्ट करता है. यहाँ से आम दरख्त जो आने जाने का रास्ता प्राचीन पहले यही था, पैदल जो आया जाया करते थे हम, यही था. ये रोड तो बाद में बना है लेकिन पहले से यही रास्ता था. और आज भी सुबह देखते हैं, जब भी आते जाते हम देखते थे यहाँ पे काफ़ी शहर के ऊपर के जितने भी हमारे रिहायशी जगह हैं वहाँ से सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं इस रास्ते से आते हैं. साथ में बड़ा अच्छा पानी हमारे जो बौलियों का, सूला बौलियों का या हमारी अंजी का पानी जो है, इसको इस्तेमाल करने के लिए, नहाने के लिए, सुबह सैर और नहाने के लिए, ये सारी चीज़ें इस रास्ते से पैदल आना जाना बड़ा रहता है. तो ये फॉरेस्ट विभाग को हमने रिक्वेस्ट करी कि अगर इसको थोड़ा सा रिवैम्प किया जाए. वैसे चलने का रास्ता तो पगडंडी तो थी, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन इसकी की जाए तो ये जो आने जाने वालों के लिए बड़ा सरल और आसान हो जाएगा. तो ये 1.5 किलोमीटर का यहाँ से ऊपर तक का रास्ता जो आज यहाँ पर बनाया है, इसके बाद सियार बाबा में भी ट्रैकिंग रूट जो है उसकी भी आज ही इनॉग्रेशन वहाँ पे हम करेंगे. तो पहले आपने देखा था कि वहाँ पे पैंथल ब्लॉक में भी नवदेवी वाली साइड वहाँ पे भी हमने ये किया था, जो वहाँ पे देवी का स्थान है, माता रानी का वहाँ पे स्थान है. तो इस तरह से और भी बहुत सारे इस ज़िला में हम चाहते हैं कि इस तरह के ट्रैकिंग रूट्स हों. देखिए आज का जो हमारा जीवन है, आज देखिए आपकी कितनी ओवर क्राउडिंग कितनी रहती है, शहरों में कितनी रहती है, आज तो गांव में भी ओवर क्राउडिंग शुरू हो गई हुई है. तो ये एक नया फिनामना है वर्ल्ड ओवर, पूरी विश्व में आप देखें कि लोग शहरों से, रिहायशी इलाकों से निकल करके ऐसे इलाके में, वीरान इलाके में जहाँ पे कम बस्ती हो, कम आबादी हो, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए निकलते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, गर्मियों के दिनों में निकलते हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ये हमारे फॉरेस्ट विभाग ने इसमें इनिशिएटिव लिया है. मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो डीओ फुरियासी हैं, मैडम ज्योत्सना सरकार जी को, और इनकी पूरी टीम. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनकी सभी महकमा के जितने भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं. इस तरह के और भी ट्रैकिंग रूट्स जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी. जैसे भी कोई कन्वर्जेंस में इस साल में हम सोच रहे हैं कि खाली फॉरेस्ट के उससे नहीं होगा, बाकी विभाग के भी अगर थोड़ा थोड़ा हम कन्वर्जेंस में इस तरह के फंड्स वगैरह थोड़े अरेंजमेंट करके इस तरह के बनाए जाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा. गांव के लोगों का सौभाग्य है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो लोग इस रास्ते से आते और जाते हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, खासकर बरसात के दिनों में कईयों को जहां सांप ने डसा क्योंकि रास्ता साफ नहीं होता था. मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आभारी हूँ इस लिहाज से क्योंकि मेरा रिश्ता इस स्थान से 58 साल से है. मैं डेली इसी रास्ते आता हूँ, सूला पार्क में जाता हूँ, वहाँ नहाता हूँ और वापस भी आता हूँ. तो कई दफ़ा हमने इनसे कहा तो आज हमारी जो अभिलाषा थी डीएफओ साहब ने इसको
किया है। जू का प्रोजेक्ट जहाँ से दिल्ली भी गया था, वो तीन हिस्सों में वो बढ़ना था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, लेकिन वो दिल्ली में जाके रुक गया। ये सारा प्रोजेक्ट विधि तो वहाँ, और ये ज़मीन जो है फॉरेस्ट वाली, तो वो जो ये बनाते हैं व्यू वाले, उनको भी हैंड ओवर हो गई थी, लेकिन वहाँ जाके रुक गया है। इस लिए मैं आपसे ये दोबारा प्रार्थना करूँगा कि लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए आप अपनी उचित मदद जो है वो हमें दें, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद, जय माता। नमस्कार, इस समय हम रियासी के सियाड़ बाबा में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि फॉरेस्ट डिवीज़न रियासी द्वारा आज दो फॉरेस्ट ट्रैक्स का उद्घाटन किया गया है। पहला ट्रैक जो है वो सूला से भीमगढ़ फोर्ट तक का है, दूसरे ट्रैक का उद्घाटन सियाड़ बाबा से लोधरा तक किया गया, और ठीक उस ट्रैक के बाहर मैं खड़ा हूँ, और ये सियाड़ बाबा का एरिया है। सियाड़ बाबा टू लोधरा ट्रैक जो है लंबाई है वो करीब 5 किलोमीटर की है, और जो सूला से भीमगढ़ तक का फॉरेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया उसकी लंबाई करीब 1.5 से 2.25 किलोमीटर है। तो अब उम्मीद ये है कि टूरिज़्म इन दो ट्रैक्स के उद्घाटन के बाद बढ़ेगा, जो भी ट्रैकिंग के इच्छुक लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और ट्रैकिंग करेंगे। इससे पहले की अगर बात करें तो एक ट्रैक का उद्घाटन पैंथल देवी पिंडी जो ट्रैक है वहाँ किया गया था, और अब दो और ट्रैक्स का उद्घाटन किया गया है। कुल फॉरेस्ट डिवीज़न रियासी में 3 ट्रैक्स का उद्घाटन अभी तक हो चुका है। उम्मीद यही करते हैं कि टूरिज़्म इन ट्रैक्स से और बढ़ेगा, और ट्रैकिंग के इच्छुक जो है वो यहाँ पर आएंगे और ट्रैकिंग करेंगे। और ये तबक्को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये भी कर सकते हैं कि इन ट्रैक्स का रखरखाव भी किया जाएगा, ताकि जो एक बार टूरिस्ट यहाँ पे आए वो बार बार यहाँ पे आता चला जाए। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।